अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़ और पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शिजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मार्केट बंद हुई है और मैं आपको अपडेट करूंगा, आज भी इंडेक्स नीचे बंद हुआ है कोई 517 पॉइंट, और ये प्रोविजनल फिगर्स हो सकते हैं बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी आज फिर आपके सामने हूँ मार्केट बंद होने के फ़ौरन ही बाद। तो अच्छा, आज थोड़ा सा मार्केट में हुआ क्या, आगाज़ मुस्बत हुआ बहुत कम, थोड़ा सा इंडेक्स आई थिंक कोई 30-35 पॉइंट प्लस गया, और उसके बाद फिर वहाँ से चूँकि वॉल्यूम्स नहीं थे सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ और इंडेक्स ने अपने जो लेवल्स थे टेक्निकल लेवल्स उनको तोड़ना शुरू किया। 44,500 ही ब्रीच हुआ, फिर फाइनली सपोर्ट हमको नज़र आई 44,200-300 के बीच में, उस सब मार्केट कुछ 600 पॉइंट नीचे थी। अच्छा, जब उस वक्त 600 पॉइंट नीचे थी तो मैंने वॉल्यूम्स चेक किए थे, KSE 100 का ओवरऑल टोटल वॉल्यूम जब 600 पॉइंट मार्केट नेगेटिव थी तो सिर्फ 13 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था। तो वही जो आई थिंक हम देख रहे हैं बहुत अरसे से कहानी के वॉल्यूम्स होते नहीं हैं ज़्यादा और इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे चला जाता है बिकॉज स्टॉक प्राइसेस टूट जाती हैं कम वॉल्यूम्स के साथ। तो वहाँ पे सारे लोग पैनिक होना शुरू करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी हम बेच दें अपने जो भी शेयर्स हैं और अपने लॉस बुक करें या जो भी है, तो पैनिक होती है, लेकिन वही टाइम होता है कि बाय करने का। और तो हमने भी सजेस्ट किया था अपने कुछ क्लाइंट्स की जो क्वेरीज आ रही थी कि क्या हम यहाँ पे सारा माल बेच दें, हमने कहा नहीं ये तो बाइंग टाइम है। सो वहाँ से मार्केट रिकवर हुई और इतनी रिकवर हुई कि सारे पॉइंट्स रिकवर हो गए 600 पॉइंट और मार्केट प्लस भी चली गई। लेकिन अगेन देखें, चूँकि मैंने अगर आपको याद हो ये भी कहा था कि जो भी गेंस होंगे इंट्राडे गेंस बुक करें और फिर जो है क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगी बिकॉज ऑफ द रोल ओवर वीक एंड द MSCI का जो स्विच होना है स्विच ओवर होना है। सो ये दोनों चीज़ें अभी तक इन प्ले हैं, लिहाजा देखें बॉटम रेट्स का फ़ायदा उठाएं और इंट्राडे बेसिस पे गेंस मिलें तो बुक कर लें और फिर साइड पे हो जाए, फिर वेट करें डिप का। तो यही हमने आज वोलेटिलिटी देखी है मार्केट में, 600 पॉइंट की बंदी हुई, फिर 600 पॉइंट रिकवर हो गए, फिर टूवर्ड्स दी एंड सेलिंग प्रेशर आया और नया लो बन गया मार्केट का। और वॉल्यूम्स अगर हम देखें आज कल से ज़्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं, 110 मिलियन शेयर्स कल ट्रेड हुए थे KSE 100 में, आज 140 मिलियन शेयर्स प्लस का काम हुआ है। और देखिए एक अच्छी बात यह है, एक अच्छा साइन, वैसे तो मार्केट देखिए मैंने सुबह भी कहा था कि दो दिन में 3% गिर गई है, आज जो मंदी हुई है तो तीन दिन में मोर देन 4% नीचे मार्केट आ गई है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स तो देखें वो तो और भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि टूटे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तो वॉल्यूम्स बढ़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और ये जो टूवर्ड्स दी एंड दी मार्केट फिर 700 पॉइंट नीचे चली गई थी उसके अगर आप देखें तो उसमें वही स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं जहाँ पे MSCI का स्विच ओवर होना है। लेकिन तीन स्टॉक्स तो जो बिग कैप्स हैं वो तीनों नीचे आ रहे हैं, लकी सीमेंट आज फिर 20 रुपये से ज़्यादा नीचे बंद हुआ, और इवन दो के इंटरेस्ट रेट का बढ़ना बैंक्स के लिए अच्छा था, वो हमने पहले दिन ही रिएक्शन देखा। उसके बाद से अगर आप देखें जो दूसरे दो स्टॉक्स हैं बिग कैप्स में MCB और HBL, वो कल भी नीचे थे और आज भी वो उनमें हमने सेलिंग प्रेशर देखा और उसने भी ऐड किया पॉइंट्स को भी। और इसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप्स में देखें, स्मॉल कैप्स में कौन से स्टॉक्स हैं, PSO है, आज आप PSO का वॉल्यूम देख लें, 27 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, बहुत दिनों बाद इतने हमने वॉल्यूम्स देखे हैं PSO में, तो वहाँ भी हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि MSCI का की वजह से ये प्रेशर है। सर्ल है स्मॉल कैप्स में, सर्ल आज देखें 9 रुपये टूटा है, वॉल्यूम्स इतने वैसे इतने नहीं होते हैं लेकिन मोर देन 6 लाख शेयर्स वहाँ ट्रेड हुए। सो वो हमने आज काफ़ी ये MSCI का प्रेशर देखा है जो कंटिन्यू रहेगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था इस महीने के आखिर तक। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि TRG भी स्मॉल कैप्स में, और उसमें अच्छा वो TRG की तो खैर खबर भी आ गई थी जब से ही सेलिंग थी, तो सेलिंग आज चूँकि TRG पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है तो इसमें कम से कम कह सकते हैं कि सेलिंग काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो गई है TRG की। और जो आज कोई 82 रुपीज़ के करीब का लो बना वहाँ से फिर हमने ऑलमोस्ट ऊपर के लॉ के करीब काम देखा, 94 से भी ऊपर और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो ये एक मेरे ख्याल में थोड़े सा हौसले वाली बात है। और अगर कुछ और स्टॉक्स देखें जो अपने जो आज लोज बनाए थे और वहाँ से रिकवर होकर उन्होंने अच्छे गेंस लिए थे इंट्राडे बेसिस पे, वो वापस नीचे भी आए लेकिन फिर भी बहुत नीचे नहीं आए। तो ये आई थिंक एक मेरे हिसाब से इंडिकेशन है कि अब अगर और प्राइसेस टूटेंगी तो वो बहुत ही अच्छा मौका होगा कि वहाँ पे आप अक्यूमुलेशन करें और थोड़ी अग्रेसिव भी अब की जा सकती है, और इंट्राडे बेसिस पे देखें गेंस मिलें तो वहाँ बुक करें और फिर डिप पे दोबारा आप कर लें। अगेन स्ट्रैटेजी अगर आपको याद हो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने कोई पोजीशन ली है और इंट्राडे बेसिस पे गेंस मिल रहे हैं और आप समझते हैं कि ये कल भी और ऊपर जा सकता है बिकॉज अभी काफ़ी लो प्राइसेस हैं,
तो अपनी जो आपने नई पोजीशन ली है उसका 50% बेच दें, ठीक है, और वहाँ पे दोबारा डिप हो तो दोबारा बाय कर लें, तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कुछ ना कुछ जो है अपनी जो आपकी नई पोजीशन होती है उसे कुछ परसेंटेज की बुक कर लें, क्योंकि अभी भी मार्केट वोलेटाइल काफ़ी रह सकती है। तो काफ़ी, जैसे मैंने कहा, स्टॉक्स जो है, जो मेरे लिए एक हौसला अफजा बात है, वो यही है कि काफ़ी स्टॉक्स जिन्होंने दिन के लो बनाए और अपने फिर मार्केट आखिर में 700 पॉइंट नीचे बंद हुई, लेकिन वो अपने दिन के लो पे, जब 600 पॉइंट की मंदी का लो बना था उसके बाद 700 पॉइंट नीचे गई है, लेकिन वो लो वापस नहीं आया। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक थोड़ा एक हौसले वाली बात हो सकती है, लेकिन अभी भी लाइक आई सेड कॉशियस रहना है और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है और नीचे एक्यूमुलेशन भी करनी है। तो फिर इस डस्ट, लेट दिस डस्ट सेटल वाली जो बात होती है ना अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये, लेकिन इस डस्ट को सेटल होने में अभी थोड़े से दिन बाकी हैं, सो इसका ख्याल रखें। बाकी अगर देखें तो आई थिंक यही है कि न्यूज़ पे डिपेंड करता है रोज़ की। आज जो हमने कुछ गेंस देखे थे रुपी में, वो आज गेंस फिर इरोड हुए हैं और 175 से ऊपर फिर क्लोजिंग हुई है इंटर बैंक में। तो अभी वोलेटिलिटी जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स में हमको नज़र आ रही है, बिकॉज ट्रेडिंग आवर्स के दौरान खबर आ गई थी कि जो अगले हफ्ते मिनी बजट आ रहा है ऑल दैट, तो वी नो कि ये स्टेप्स लिए जाएंगे, कोई अब उसमें आई थिंक बहुत बड़ा अभाम नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा हौसला रखें, जिनकी जिन्होंने होल्डिंग्स की हुई हैं, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और जहाँ लॉसेज होते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, जैसे मैंने आज की आप एग्जाम्पल दी, जब 600 पॉइंट मार्केट नीचे गए लोग घबरा गए कि यहाँ पे हम अपना माल बेच देते हैं, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा, लेकिन देखें एक 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 जो रूल होता है ना मार्केट का, वो यही होता है कि मार्केट बढ़ती है जब गेंस हों वहाँ बेचें, और जब मार्केट गिरती है तो आप स्टॉक्स सस्ते हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप बेचते नहीं हैं, या तो होल्ड करें अपनी पोजीशन को, बिकॉज अगर अच्छे स्टॉक्स हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, इवेंचुअली प्राइसेस ऊपर आएंगी, ठीक है, तो अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो होल्ड करें और वेट करें। वैसे भी देखें स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ, हमारी मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत है, बहुत जल्दी गेंस हो जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा लॉन्ग टर्म फिर होल्ड नहीं करें, गेंस हो गए हैं तो भी वहीं बुक कर लें और फिर वापस नीचे का वेट करें। ये आई थिंक थोड़ा सा इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं थोड़ी तसल्ली दे सकता हूँ, लेकिन अभी भी देखें हालात आप सबके सामने ही हैं, खबरें हैं, हम आपको बताते रहते हैं, तो कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है। सो हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह सुबह देखते हैं सुबह तक क्या खबरें हैं, एंड देन वील डिस्कस अगेन इन द मॉर्निंग। सो हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।